I am sitting next to my dream car. Hello everyone, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? आज है ट्यूसडे, अभी आफ्टरनून का टाइम है, 4 o'clock हुआ है और मैं जस्ट ड्रेस अप हुई हूँ. इस बिकॉज हम लोग बाहर जाने वाले हैं. मैं जस्ट शावर लेकर आई हूँ. आज काफ़ी लेट हो गया मुझे शावर लेने में, क्योंकि 9:30 से हमारे अपार्टमेंट में इमरजेंसी वाटर ब्रेकडाउन हो गया था एंड उन्होंने विदाउट एनी प्रायर नोटिस पानी बंद कर दिया था और अभी 3 बजे पानी लौटा. तो जस्ट मैंने बस शावर लिया, रेडी हुई, क्योंकि अभी हम बाहर जाने वाले हैं. आजकल आपको पता ही है, सब घोंच वोंच चल रही है. हम हर रोज बाहर जा रहे हैं कुछ ना कुछ सामान बाय करने के लिए या देखने के लिए. विंडो शॉपिंग चल रही है. तो अभी हम लोग कारमैक्स जाने वाले हैं, कुछ कार्स वगैरह वहाँ देखेंगे खरीदने के लिए और अपनी कार हम अपनी सेल यहाँ पर करके जाएंगे. तो वो सब आज जाके बात वगैरह करनी है. तो बस अभी चलते हैं. और शायद मैंने अपना मेकअप पूरा नहीं किया, नॉट मेकअप, बस मैंने लिपस्टिक वेयर नहीं करी. मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, तो बस मैं अभी क्विकली लिपस्टिक लगाती हूँ और बाहर जाके देखते हैं कि अनिरुद्ध और अंशुल क्या कर रहे हैं. गोविंद, कैन यू प्लीज शो अस योर बिल्डिंग? वाओ, एक बार दिखा दो बाबू. गोविंद, मम्मी को दिखा दो. मम्मी जल्दी दिखाओ, मम्मी को कैमरे में दिखाओ. ऐसे ऐसे देखो, ऐसे. ओ वाओ, किसने बनाई है इतनी सुंदर बिल्डिंग? पापा ने. गोविंद ने नहीं बनाई? अच्छा दिखाओ तो एक बार. कैन यू प्लीज शो अस योर बिल्डिंग? उड़ रही है. उड़ रही है. आज मौसम देखिए कितना अच्छा है, क्लाउडी है, धूप नहीं है. और पर्सनली मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि धूप से मुझे बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज हो जाती हैं. तो बस मौसम अच्छा था, इसीलिए सोचा कि आज दोपहर में ही निकलते हैं. अभी हम लोग निकल चुके हैं. अक्सर हम वैसे शाम को निकलते हैं, बट शाम को निकलने का एक ड्रॉबैक हो जाता है कि फिर रात में सोते सोते काफ़ी लेट हो जाता है, 11 बज जाता है सब काम ख़त्म करते करते. इसीलिए सोचा कि आज मौसम अच्छा है तो इसी टाइम पर निकलते हैं बाहर. और अभी हम लोग सबसे पहले डिस्काउंट टायर जाएंगे. वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड न्यू टायर्स लिए थे, तो अभी उन्हीं की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हैं. पता करेंगे कि क्या एयर प्रेशर वगैरह है, वो सब चेक करा के फिर हम लोग जाएंगे कारमैक्स. और आज जो है धूप आ जा रही है. देखिए, कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, बट इतनी ज़्यादा हार्श नहीं है तो ठीक लग रहा है बाहर अभी. जब भी हम लोग रोड पे मर्सिडीज या ऑडी या बीएमडब्ल्यू चलते हुए देखते हैं तो हमेशा मन होता है ना कि ऐसी एक कार अपने लिए ज़रूर हम खरीदेंगे. एंड आज मैंने यहाँ पे बहुत क्लोजली मर्सिडीज़ को देखा, अंदर में बैठी, उसका इंटीरियर सब देखा, बट डेफिनेटली आज नहीं बाय कर रहे, बहुत एक्सपेंसिव है, इतने पैसे नहीं है अभी हमारे पास. बट सर्टनली सम टाइम इन फ्यूचर हम ज़रूर खरीदेंगे ये कार. मैंने अंशुल को बोल दिया है कि ये कार मुझे ज़रूर चाहिए एंड उन्होंने बोला है कि वेट फॉर 5 years, तो 5 years बाद. एंड अभी अंशुल जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएट से, सब कुछ फिक्स कर रहे हैं. तब तक मैं बाहर बैठी हूँ अनिरुद्ध को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर बैठती हूँ, उसको कार्स दिखाती हूँ, क्योंकि उसको भी कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. और फाइनली मुझे यहाँ प्ले एरिया मिल गया. देखिए कितना सुंदर प्ले एरिया बना रखा है इन्होंने बच्चों को एंगेज करने के लिए. तो अभी थोड़ी देर अनिरुद्ध यहाँ पर खेलेगा जब तक उसके डैडी बिजी हैं. अभी हम पहुंच गए हैं वॉलमार्ट. आई थिंक ये हमारी सिटी का सबसे बड़ा वॉलमार्ट है. मैंने और जितने भी वॉलमार्ट यहाँ पर देखे हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, तो सोचा आज यहाँ आते हैं, यहाँ पे फर्नीचर वगैरह की और भी ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी. तो
बस अभी हम लोग कुछ डाइनिंग टेबल, ओटोमैन और ये सभी देख रहे हैं। सोचा है कि वॉलमार्ट से ही बाय करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सामान मिल जाता है। अभी वैसे भी हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बल्की सामान नहीं लेना चाहते, तो यही सब देख रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशंस भी दिए थे लास्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड प्लीज़ आप और भी सजेशंस अपने देते रहिए कॉमेंट सेक्शन में, दे विल डेफिनेटली हेल्प अस। And tell me the colors. Blue, black, orange, yellow, green, blue, green, purple. तो वी आर बैक। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आजकल मैं आप लोगों के साथ अपनी कुकिंग वीडियोस क्यों नहीं शेयर कर रही, इज बिकॉज मेरी किचन में बहुत कम लाइट है। जो एक मैंने एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पर लगाई हुई थी वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो बहुत अंधेरा रहता है, कुकिंग वीडियोस ना अच्छे से फिर कैप्चर नहीं हो पाती। सो देयर इज नो पॉइंट शोइंग कुकिंग, तो इसीलिए आजकल मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को कुकिंग नहीं दिखा रही। और आजकल मैं कुछ ज़्यादा कुक भी नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा सामान बचा नहीं है। तो अब मैं आपको सारी कुकिंग जो है अपनी नए घर से दिखाऊंगी। तो जो भी अब डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज सुबह मैंने लंच में बनाया था आलू और परवल की सब्जी, वो बाकी है। और साथ ही साथ मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, ये कढ़ाई पनीर मैंने बनाई थी, तो वो भी है। अभी बस चावल बन रहा है और मैं फटाफट से रोटी बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। इट्स ऑलरेडी 7:20 और ये परफेक्ट टाइम होता है डिनर का, क्योंकि फिर आप अगर 10 बजे तक भी सोते हो तो एक अच्छा टाइम मिल जाता है बिफोर योर बेड टाइम। तो बस अभी मैं फटाफट से अपने फुलके बना के रेडी करूंगी। एक स्टव पे चावल चढ़ा दिया है तो ज़्यादा फुलके नहीं बनाने हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा चावल भी लेंगे पनीर की सब्जी के साथ। और आजकल आप लोगों को मेरी कोई कुकिंग वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान अब बचा नहीं है। और मेरी किचन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं है, और जो एक लाइट मैंने लगाई हुई थी वो भी पैक करके हमने भेज दी है। तो किचन काफ़ी डार्क है इसीलिए मैं कोई कुकिंग वीडियोस अब नहीं शूट कर रही हूँ, बट डेफिनेटली जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो आप लोगों के साथ कुकिंग वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग वीडियोस का प्लान कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे है। एक्चुअली कल डिनर बनाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा फटीग फील हो रहा था, हेडेक हो रहा था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसीलिए आज सोचा कि फटाफट से आके गुड बाय आप लोगों को बोलूं। और आप सब जानते ही हो आजकल बहुत ज़्यादा भागदौड़ चल रही है, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा टायरिंग डे हो जाते हैं। हर रोज़ हम लोग कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं कुछ ना कुछ देखने के लिए, कुछ ना कुछ फाइनलाइज करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग डे चल रहे हैं। बट अब काइंड ऑफ हमने सब कुछ फाइनलाइज कर लिया है, देख लिया है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ बाय करनी है। और अभी हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फर्नीचर वगैरह नहीं देख रहे। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए थे मेरी लास्ट वीडियो में रिगार्डिंग फर्नीचर एंड एवरीथिंग, कि हम लोकल स्टोर से देखें। सो प्लीज़ आप इसी तरीके से अपने सजेशंस और देते रहिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेंगे जब हम वहाँ जाएंगे और हम चीज़ों को एक्सप्लोर और करेंगे, तो ये सजेशंस बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करते रहिए। एंड काफ़ी कुछ हमने जो है वॉलमार्ट से हमें चीज़ें पसंद आ गई हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा बल्की चीज़ों में नहीं जा रहे क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में जा रहे हैं और डेफिनेटली वहाँ से मूव करना ही पड़ेगा साल या दो साल बाद, तो जितना बल्की और जितना ज़्यादा फर्नीचर होगा उतना ज़्यादा मूव में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अभी हम बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। बट डेफिनेटली आपके सजेशंस बहुत काम आएंगे, तो अपने सजेशंस ज़रूर छोड़िएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड यही था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। आई एम नो कि मैं कुकिंग वगैरह नहीं दिखा रही जो मैं अपने ब्लॉग्स में अक्सर दिखाती हूँ, बट मैंने बहुत अमेजिंग कुकिंग वीडियोस प्लान कर रही हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ जाकर थोड़ा सा सेटल होने के बाद। सो प्लीज़ आप इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए जिस तरीके से आप देते आए हैं। एंड फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। चिल्ड्रन यू टेक केयर, बाय। एंड प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। टेक केयर।